चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज स्मॉल डी एंड द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज कैपिटल ए, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, एनर्जी कितनी स्टोर होगी कैपेसिटर के अंदर. जनरली एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सीवी स्क्वायर होता है ना, ठीक है, कैपेसिटर के अंदर इतनी एनर्जी होती है. तो अब ये बताओ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर के, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है और वी इज इक्वल टू ए इंटू डी आप लिखते हो, होता है ना ये दोनों फॉर्मूले. ये दोनों वैल्यू यहां रख दो तो U इज इक्वल टू 1/2 C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो गया, V की वैल्यू E इंटू डी का होल स्क्वायर हो गया. तो थोड़ा सा सॉल्व कर ले, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, एक डी से एक डी कट गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी हो गया, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर. कौन सा ऑप्शन सही है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी, ये वाला बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है, करेक्ट. अच्छा एनर्जी ये वॉल्यूम होता है, यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम. तो एनर्जी वॉल्यूम को नीचे ले आओ तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी होता है ना. ये क्या कहलाएगा, स्मॉल यू, ये कैपिटल यू था, ये स्मॉल यू है, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी ना, एनर्जी डेंसिटी. अगर एनर्जी डेंसिटी पूछेगा तो ये ऑप्शन सही होगा, और सिर्फ एनर्जी पूछेगा तो ये ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, और ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ, ऑप्शन ये दिया हुआ है तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.